चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने वर्क समीकरण बच्चों 2.5 कंप्लीट किए बच्चों। वर्क समीकरण में 2.5 कंप्लीट किए बच्चों, राइट। अब चलते हैं बच्चों 2.6। ये 2.6 के पहले बच्चों कुछ रूल्स है वो ध्यान से लेना बच्चों। वर्क समीकरण के शाब्दिक प्रश्न, शाब्दिक प्रश्न मतलब शब्दों वाले बच्चों। जैसे युग्मक समीकरण में जो शब्दों वाला सवाल था ना बच्चों, दो भाइयों के उम्र का योगफल है 40 वर्ष, दो भाइयों की उम्र का अंतर 8 वर्ष, तो उससे आई गया तो ऐसे बच्चों शब्दों वाले सवाल रहेंगे। अब बच्चों लोग बोलते सर मालूम कैसे पड़ेगा कि ये पहले चैप्टर यानी युग्मक समीकरण का सवाल है कि युग्मक सहायक समीकरण का, उन्हें पता कैसे चलेगा कि इसमें दो अक्षर लेना है कि एक अक्षर लेना है। ओके, जब बच्चों आप सवाल उसको पढ़ो, हाँ सवाल को एक बार दो बार रीड करो बच्चों, ऐसा लग रहा है बच्चों कि इसके अंदर दो दो शर्त दिया है, टू कंडीशन दिया बच्चों। जैसे मैं बोला दो भाइयों की आयु का योगफल है 40 वर्ष, एक शर्त हो गया। उन दोनों भाइयों की आयु का अंतर है 8 वर्ष, दूसरा शर्त हो गया बच्चों। जब सवाल में दो शर्त दिया रहेगा बच्चों, जब सवाल पढ़ने पर हमें दो अलग अलग शर्त का एहसास हो तो वह सवाल युग्मक समीकरण था, दो अक्षर अलग होगा। इसी समीकरण को क्वेश्चन को जो पढ़ते बच्चों, अगर उसके अंदर दो शब्द दिया रहेगा बच्चों तो इसका मतलब दो अक्षर सवाल है। अगर मतलब सवाल पढ़ रहे लेकिन लग रहा कि एक ही शब्द दिया बच्चों तो फिर एक अक्षर लगेगा। जब सवाल में केवल एक शब्द दिया हो तो वह समीकरण का है अर्थात एक अक्षर लगा हो। ओके, दस शब्द तीन सवाल लगा तो तीन शब्द रहेगा तो तीन अक्षर सवाल हो सकता बच्चों, आगे आएगा तो तीन अक्षर भी कर सकते हो। अगर दो अलग अलग शब्द दिया बच्चों तो हम लोग दो अक्षर मानेंगे, अगर एक ही शब्द दिया बच्चों तो हम लोग एक अक्षर मानेंगे। बच्चों जितना पहले दो शब्द दिया रहेगा तो दो अक्षर मानना है, एक शब्द दिया रहेगा तो एक ही अक्षर मानना। ओके ठीक, इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान से सुनना है। ओके, महत्वपूर्ण समझने बच्चों, दो क्रमिक संख्या मतलब दो क्रमिक संख्या, क्रमिक क्रमिक मतलब क्रम से, क्रमिक मतलब क्रम से, ऐसी संख्या जो क्रम से है 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रम से दो क्रमिक संख्या 5, 6, 7, 8 क्रम से आ रहा क्रम मतलब। ओके, तो दो क्रमिक संख्या में कितने का अंतर होता है बच्चों, एक का अंतर होता है 5 और 6, एक अंतर 6 और 7, एक अंतर बच्चों। ओके, तो दो क्रमिक संख्या में दो क्रमिक संख्या सदैव एक का अंतर होता है। दो क्रमिक संख्या कितने अंतर है बच्चों, हमेशा एक का अंतर रहेगा, राइट बच्चों। तो क्या आएगा वो, पहला मान लिया बच्चों x, x प्लस 1, दो क्रमिक संख्या बच्चों, पहला संख्या था x, दूसरा संख्या बच्चों x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अगर तो मुझे तीन क्रमिक संख्या बच्चों, तीन क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या तो क्या करेंगे बच्चों, x, x प्लस 1, x प्लस 2, एक एक अंतर बढ़ता रहेगा बच्चों, x, x प्लस 1, x प्लस 2, चार बोलेगा बच्चों, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, पांच बोले तो x प्लस 4 भी आ गया बच्चों। ओके, तो तीन क्रमिक संख्या बनता बच्चों x, x प्लस 1, x प्लस 2, बराबर बच्चों। सेकंड आगे क्रमिक संख्या वाले, राइट। उसके बाद बच्चों दो क्रमिक सम या विषम संख्या, दो क्रमिक सम या विषम संख्या, दो क्रमिक सम या विषम संख्या, जब यहां बोला था दो क्रमिक संख्या बोला, यहां पे दो क्रमिक सम या विषम बोल रहा बच्चों,
सम संख्या क्या था बच्चों, इसमें दो से भाग जाएगा ना, दो चार छ आठ दस ना बच्चों, ये सम संख्या कितने का अंतर है बच्चों, दो और चार दो का अंतर है, चार दो छह का, छह का अंतर में दो का अंतर बच्चों, इसमें दो दो गया ना, विषम वाले बच्चों एक तीन पांच सात नौ कितने क्या पर बच्चों, दो का गैप है, चाहे सम बोलो बच्चों या विषम बोलो, तो जब दो क्रमिक सम संख्या है दो क्रमिक विषम बोल कर बच्चों, तो दो का गैप करता है ओके, तो दो क्रमिक सम या विषम में विषम संख्या में सदैव दो का अंतर हो, खाली क्रमिक क्रमिक संख्या बोलता है तो एक एक अंतर है, सम क्रमिक सम संख्या क्रमिक सम विषम संख्या बोलता है तो दो दो का अंतर होता है ओके, यानी पहला x फिर x प्लस दो फिर x प्लस चार x प्लस छह, पहला x फिर x प्लस दो फिर x प्लस चार फिर x प्लस छह, ऐसा बढ़ता रहेगा, फिर हमारे बच्चों में क्या बताऊं, जब अगर सम विषम बोले ऐसा खाली क्रमिक संख्या बोले बच्चों तो एक एक का अंतर रखेगा, जब सम विषम बोलता बच्चों तो दो दो का अंतर लेंगे बच्चों ओके, दो क्रमिक संख्या x x प्लस वन, तीन क्रमिक संख्या x x प्लस वन x प्लस टू एक एक गैप हो, दो क्रमिक सम संख्या x x प्लस दो, दो क्रमिक विषम संख्या x x प्लस दो, सम बोले तो भी दो चार छह आठ लिख रहे विषम बोले तो भी हाँ सर ऐसा नहीं होता, सम है तो दो है विषम है तो तीन अंतर नहीं, तो इसलिए क्योंकि सम और विषम दोनों में हमेशा कितने का अंतर होता है, दो का अंतर होता है, तो दो दो का अंतर है बच्चों, यहाँ पर दो का अंतर है, इसका दो ही रहेगा, दो सम क्रमिक संख्या बोला बच्चों तो भी एक्स एक्स प्लस दो, दो विषम क्रमिक संख्या बोला तो भी एक्स एक्स प्लस दो बच्चों, कम से कम दोनों में अंतर कितना है, दो बच्चों ठीक है ना, चलो मैं आगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बोलते हैं, अब गुणात्मक प्रतिलोम किसे बोलते हैं, वह दो संख्या जिनका गुणनफल एक होता है, जिन दो संख्याओं का गुणनफल एक होता है उन्हें एक दूसरे का क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, जिन दो संख्याओं का परस्पर गुणनफल एक हो तो उन संख्या को प्रतिलोम करते, जिन दो संख्याओं का उत्तर, जिन दो संख्याओं का परस्पर गुणनफल उच्च एक हो, जो दो संख्या उच्च उस गुणा का दो एक है, सब कौन सा संख्या एक ही कम एक है बता, तो उन संख्या का गुणा जब प्रतिलोम उच्च एक का है उसको कर दो उच्च, जैसे उच्च पांच बटे तीन है उच्च, पांच बटे तीन गुणे तीन बटे पांच करो क्या कम छोड़ो, पांच कम पांच पांच बटे तीन दिन का क्या है ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जो पांच बटे तीन, पांच बटे तीन या तीन बटे पांच का गुणा कर बदलो गुणा पुनः प्रतिलोम या तीन बटे पांच या पांच बटे तीन का गुणात्मक प्रतिलोम है, पांच बटे तीन का उल्टा क्या है तीन बटे पांच, फोर का अपोजिट क्या है फोर का अपोजिट वन अपॉइंट फोर, ये कुछ क्यों अंदर सेवन अपॉइंट टू का अपोजिट क्या है टू अपॉइंट सेवन, एक्स का अपोजिट क्या है बच्चों वन अपॉन एक्स,
ओके एक्स प्लस वन का अपोजिट क्या करो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपोजिट कर रहे हो टू एक्स अपॉन थ्री का अपोजिट क्या करो थ्री अपॉन टू एक्स ओके जस्ट रिवर्स कर देंगे बच्चों ताजा थोड़ा आपका प्रतिलोम बच्चों ओके जिन दो संख्या का परस्पर वर्णनफल कर एक हो तो उन संख्या का अवस्था करो गुणात्मक प्रतिलोम पांच बटे तीन बटे तीन बटे पांच पांच बटे तीन ग्यारह पांच बटे तीन या तीन बटे पांच को या तीन बटे पांच या पांच बटे तीन को एक्स का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों एक बटे एक्स एक्स प्लस वन का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे एक्स प्लस वन यस किसी बटे कुछ वन है तो वन अपॉन एक्स प्लस वन कारक में क्या कर रहा हूँ गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पक्का ओके चलो आगे चले लो बच्चों फोन बोला मत चलो क्या तीन जगह पे क्या करेंगे ऐसे भी लॉकडाउन छह महीने से रुके थे बच्चो आगे चल रहे बच्चों ओके समकोण त्रिभुज सुने बच्चों समकोण त्रिभुज ये सुने हो रेंजिंग बच्चों समकोण त्रिभुज बच्चों तो क्या करना बच्चों समकोण त्रिभुज में ए बी सी नब्बे नब्बे के सामने वाली भुजा को जो कर्ण बोलते हैं क्या होते हैं नब्बे के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं नब्बे अंश की समूह भुजा को कर्ण करते अभी बोलना मत अर्जुन के बड़े भाई को कर्ण करते हैं नब्बे अंश की समभुजा जो लगा बच्चों उसको कर्ण करते ओके तो बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग इसके जरूरत पड़ने वाला बच्चों सवाल में कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बच्चों मैथ्स टू में भी आने वाले बाद में कर्ण का वर्ग पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बच्चों जिसे बोलते हैं कारण पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों सुने पाइथागोरस ने सुने हो वेरी गुड पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों तो मैच टू में पाइथागोरस बच्चों तो कर्ण का वर्ग पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बच्चों मैं आगे वैसे आयत आयत है बच्चों चौड़ाई है ये लंबाई है बच्चों और ये विकर्ण है कर्ण के विकर्ण बोलते बच्चों और जिन कर्ण वाली शब्द बच्चों चतुर्भुज में विकर्ण वाली शब्द वैसे बच्चों आयत में क्या करो बच्चों विकर्ण का वर्ग विकर्ण का वर्ग बराबर चौड़ाई का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग तो एक ही है जब संपूर्ण त्रिभुज दिया था बच्चों तो कर्ण का वर्ग लाओ पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बच्चों और आयत में बच्चों विकर्ण का वर्ग लाओ चौड़ाई का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग या लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का आगे चले
ये सब का हमको जरूरत पड़ने वाला बच्चों ओके। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी जो बच्चों का मान लो इतना डॉट क्या बच्चों मैंने दो दो चार पाँच, ये पांच कुर्सी है बच्चों ओके। इस लाइन में बच्चों पांच कुर्सी है, ये पूरे कितने कुर्सी है बच्चों सर मैं बोलूं मैं बोलूं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह घूमना सर सर पंद्रह मिनट, जब तक आप पंद्रह मिनट के बोलोगे तब तक तो सर चले जाए घर पे। तो बच्चों क्या होता है किसका बोल कि जो दाएं से बाएं में दाएं बाएं इसको तो आड़ी का तार, जो आड़ी का तार और एक खड़ी है बच्चों ना पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, इसको मैं बेंच हो जो पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति में चौथी पंक्ति में, क्या बच्चों पहले कतार दूसरे कतार तीसरे कतार, जो बाएं से दाएं होता है बच्चों उसको कतार बोलते हैं, ऊपर से नीचे आगे से पीछे नहीं ऊपर से नीचे सीधा होता है उसको अपने लोग पंक्ति बोलते, लेफ्ट टू राइट रहते हैं आड़ी कतार और जो बच्चों क्या ऊर्ध्वाधर पंक्ति ऊपर से नीचे खड़ी कतार पंक्ति बच्चों ओके। तो आप बच्चों पूरा एक कितने कुर्सी थे बच्चों गिन के बताया ना, अब बच्चों कहीं पे बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं बच्चों वहाँ पे कितने कुर्सी है गिन मान लो आयताकार है बच्चों किसी हॉल में मीटिंग में स्कूल कॉलेज के मीटिंग है बच्चों गिनने कहते थे तो मैं बता दूँ इधर कितना बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव ना, इधर कितना बच्चों वन टू थ्री, आड़ी में पांच है बच्चों और घड़ी में तीन है पांच या पंद्रह बच्चों माय गॉड यस। अब कितने हैं बच्चों क्या करें इमीडिएटली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इधर था बच्चों इधर कितना है वन टू थ्री फोर तो सेवन फोर जब ट्वेंटी एट, इसमें कितने लगेंगे बच्चों ट्वेंटी एट, तो नाला बच्चों आड़ी में कितना है अकड़ी में कितना बच्चों गिन लो इसको ओके। आड़ी के नंबर अकड़ी के नंबर गिन के उसको पूरा कर लेंगे बच्चों, उससे मान लो आपको उस सभागृह में कुल कितने कुर्सी है बच्चों या किसी बगीचे में कुल कितने पेड़ है बच्चों ओके। कुल पेड़ों की संख्या या कुल कुर्सी की संख्या ये तो कुल पेड़ों की संख्या या कुल कुर्सी की संख्या वाला आड़ी कतार की संख्या गुणे खड़ी कतार और पंक्ति हो चुके बच्चों आड़ी कतार में पंक्ति में इतने हैं तो आप उसमें गुणा कर दो बच्चों आपको मिल जाएगा कुल पेड़ की संख्या या कुल कुर्सी की संख्या, किसी हॉल में बच्चों कुर्सी से लाइन से लगा बच्चों ग्राउंड में किसी का कोई फोन सा था बच्चों अब कितने कुर्सी रहेंगे तो दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे लगी दो बच्चों और उसको आप उसमें क्या करो गुणा कर लो आपको मान पड़ जाएगा कुल कुर्सी या कुल पेड़ कितने बच्चों पर मारा बच्चों हो जाएगा ये पक्का नेम हैगा बच्चों। इसके बाद बच्चों एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है लास्ट पॉइंट चौथा पॉइंट चलो बच्चों के लिए चलो बच्चों ने कई बड़े पढ़े हुए बच्चों भाज्य बराबर भाजक बड़े भागफल धन शेषफल, हाँ सर याद आया सर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ओके। अब भाज्य क्या होता है जिसमें भाग देना है बच्चों, भाज्य यानी जिसमें भाग देना है भाजक यानी जिससे भाग देना है
भागफल यानी उत्तर पूछे। और शेष फल यानी अंत में जो बच जाए। अंत में जो बचा कर शेष फल जैसे मान लो बच्चों 48 भागे 9 बच्चों क्या है ऑप्शन 9 × 45 ना 9 × 45 कितना गया 3 राइट अंदाज लगाया 3 है बच्चों। अब बच्चों 48 में भाग देना 48 क्या बच्चों भाज्य 48 क्या बच्चों भाज्य ठीक है भाजी नहीं रहे भाज्य इन 9 से भाग दे रहे बच्चों तो भाजक है क्या बच्चों भाजक कितना उत्तर आया बच्चों भागफल और लास्ट में कितना बच रहा बच्चों शेषफल। जिस संख्या में भाग देते बच्चों उसको कह लो भाज्य जितना उत्तर जिसमें से जिससे भाग दे रहे बच्चों भाजक उत्तर आ रहा है भागफल अलाप जो बच रहा है बच्चों बराबर इतना देता बच्चों आज का हम लोग का रूल था ये पूरा रूल आप पढ़ोगे बच्चों तो 2.6 हो पाएगा बच्चों अदरवाइज 2.6 नहीं हो पाएगा ओके।